गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें शिवा नाम का एक बदमाश घायल हो गया है। शिवा पर 25,000 का इनाम घोषित था और उस पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। शिवा बुलंदशहर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि त्योहार को मद्देनजर पुलिस चेकिंग कर रही है और इस दौरान दो बदमाश बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें शिवा घायल हो गया। इस बीच शिवा के साथी भागने में कामयाब हो गए, जिसकी तलाश के लिए पुलिस कैंबलिंग ऑपरेशन चला रही है। इलाके में थाना इंद्रपुरम में क्या प्रोफाइल है बदमाश का, किस तरह की घटना हुई है? ये सेक्टर 12 और 14 का चौराहा है। यहाँ पर इंद्रपुरम के पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रपुरम और अपनी टीम के साथ में चेकिंग कर रहे थे। त्यौहार के दृष्टिगत संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दो लड़के एक मोटरसाइकिल पर सवार देखे गए, संदिग्ध दिख रहे थे। रोकने का प्रयास किया गया और उस दौरान उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायर किया गया, जिसमें से एक लड़का भाग गया और एक मोटरसाइकिल के साथ लड़का गिरफ्तार किया गया है। वो पुलिस की गोली से घायल हुआ है। उसका नाम शिवा है, जो करीब 25-27 साल की उम्र है उसकी, बुलंदशहर का रहने वाला है। पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ कि ये इस समय लालकुआ क्षेत्र में रह रहा था, थाना कबीरनगर क्षेत्र में। इसके ऊपर करीब एक दर्जन मुकदमे हैं। ये लूट में वांटेड चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम है और पूछताछ की जा रही है। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है उपचारार्थ, और पूछताछ की जा रही है। हम लोग और वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।